please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर किस तरीके से अटेंडेंस सीट क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने यहां पर एक अटेंडेंस सीट यहां पर क्रिएट करके रखा हूं। दोस्तों, आप भी इसी तरीके से बिल्कुल आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर अटेंडेंस सीट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन इस तरीके से टाइप किया है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ कंपनी अटेंडेंस लिखा है, यहाँ पर डेज लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर डे है दोस्तों, संडे मंडे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, एबसेंट और हॉलीडेज, इस तरीके से यहाँ पर एक सीट बनाया है। जहाँ जहाँ पर पी लिखा है दोस्तों, वो प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, यानी कि 26 डेज यहाँ पर प्रेजेंट है। जहाँ पर मैंने एक एबसेंट ए टाइप किया है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए 25 आ चुका है। ये ऑटोमेटिकली कंपनी अटेंडेंस सीट बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक, चैनल पर व्यूअर अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सीट, न्यू सीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से न्यू सीट, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ कुछ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जहाँ पर आपको स्टार्ट करना है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ, SRNO सीरियल नंबर। उसके बाद आपको एम्प्लॉई नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर दिखने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से सीरियल नंबर टाइप किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा दोस्तों एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय नेम भी टाइप कर चुका है। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए ड्रैग करते हुए बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ डेजिग्नेशन। यानी कि आप यहाँ पर पोस्ट भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेजिग्नेशन भी टाइप कर चुका हूँ। तो उसके बाद आपको जो जो अब यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं बनाऊँगा वन टाइप करते हुए। तो मैं यहाँ पर वन टाइप करूँगा, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपको सामने प्लस के ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको कंट्रोल्ड होल्ड करते हुए इस तरीके से कितने डेज है आपको इस तरीके से ड्रैग करना है दोस्तों। मैं फ़िलहाल के लिए 30 के आसपास कर लेता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जून के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो 30 टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ये सभी को यहाँ पर देखिए इतना तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 30 डेज मैंने यहाँ पर टाइप कर चुका, यानी कि बना चुका हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ से दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ वन तक, ध्यान से देखिए दोस्तों, वन तक सेलेक्ट करता हूँ, और एक ही सेल को इस तरीके से छोटा करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सभी सेल पर छोटा हो जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करते हुए सेंट्रलाइजमेंट भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ, ईयर, जो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है आप टाइप कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ मंथ, और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ईयर। तो यहाँ पर मैं ईयर टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मंथ जून, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ ईयर 2022। आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो, इसको सभी को आप इस तरीके से राइट अलाइनमेंट कर सकते हो। तो दिखने में काफ़ी कूल और खूबसूरत भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये दो को टाइप किया है। अब मैं इस यहाँ पर सीरियल नंबर लेना चाहूँगा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको भी छोटा हो चुका है, और इसको सीरियल नंबर में यहाँ पर वन टाइप करता हूँ, और यहाँ पर प्लस कंट्रोल होल्ड करते इस तरीके से आपको टाइप करना है। जितना आपको एम्प्लॉय नेम देना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है संडे मंडे। तो संडे मंडे के लिए आपको, यानी कि डेज, तो उसके लिए आपको SUN टाइप करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, SUN, और उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल्ड होल्ड, यानी कि कंट्रोल होल्ड नहीं करते हुए आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको प्लस का आइकन आ जाएगा, इस तरीके से आपको ड्रैग करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जितना है उतना ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको जहाँ जहाँ पर आपको हॉलीडेज है वहाँ पर आपको रेड कलर पर भी आप दे सकते हो, इस तरीके से रेड कलर, संडे पर हॉलीडे, और जो जो हॉलीडेज है आपको इस तरीके से रेड भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने संडे पर रेड कलर दे दिया है।
तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद इस दो सेल को सेलेक्ट करते हुए मर्ज सेल्स कर लीजिए, और इसको भी सेलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेल्स कर लीजिए। तो सेल्स मर्ज एंड सेल्स करने के बाद दोस्तों फिर से इसको भी सेलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेल्स कर लीजिए, और इसी को आपको वाइप टेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हो। इसको आप डबल यहाँ पर ऑल्ट इंटरप्रेस करते हुए आपको इस तरीके से मैनेज वगैरह कर सकते हो। इसको आप सेंटर अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो, दिक्कत वाले कुछ भी बात नहीं, आप आसानी से ये सब कुछ कर सकते हो। इस सेल्स को आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद सिंपली आपको ये दो को सेलेक्ट करते हुए आप इतना तक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करते हुए मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, और आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पर टाइप करना है आप यहाँ पर आसानी से टेक्स्ट वगैरह भी टाइप कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अटेंडेंस सीट, तो यहाँ पर कंपनीज का नेम वगैरह भी आप टाइप करते हो, अटेंडेंस सीट यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अटेंडेंस सीट। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया दोस्तों ATTEN अटेंडेंस सीट, अदरवाइज आपको यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए कंपनी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है ABC कंपनी। अब जो भी आपको कंपनीज का नेम है आप टाइप कर लीजिए, इस तरीके से बड़ा करता हूँ सेंटर। आप शायद इसको फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हो, और ढेर सारे फॉन्ट अवेलेबल है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। आप चाहे तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए ये कलर, ये फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो कलर वगैरह भी इसको मेंटेन कर सकते हो, और उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट करते हुए ऑल बॉर्डर दे सकते हो, और इस सभी को यहाँ पर इतना तक ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। इस सभी को आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों टाइप करना है प्रेजेंट एब्सेंट होलीडे, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से टाइप किया। इस सभी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मर्ज सेल्स करूँगा, और ये भी मर्ज सेल्स करूँगा, और ये भी मर्ज एंड सेंटर यानी कि मर्ज सेल्स करूँगा दोस्तों। तो इसको सेलेक्ट करते हुए सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतना तक कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको जो जो इम्प्लॉई नेम, यहाँ से आपको थोड़ा सा मैनेज भी आप कर सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा सकते हो, और इसको भी आपको ऑल बॉर्डर लगा सकते हो, ये तीन को भी इस तरीके से सेलेक्ट करते हो ऑल बॉर्डर कर लीजिए, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और कूल डिज़ाइन लगेगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करना चाहूँगा, यहाँ पर क्लिक कर इसको मैं नो बॉर्डर करूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करते हुए ऑल बॉर्डर करूँगा। तो दोस्तों देखिए कुछ इतना तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है काम। उसके बाद आपको जो जो एम्प्लॉय नेम है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, जो जो डेजिग्नेशन है वो टाइप कर लीजिए। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन भी टाइप कर चुका है। इसको थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इस सभी को बोल्ड वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो जो काम करना है उस सभी पर आपको बोल्ड अलाइजमेंट यानी कि इसको बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को। थोड़ा थोड़ा आपको मैनेज वगैरह करना है तो आप मैनेज वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर फार्मूला अटैच करना है, यानी कि प्रेजेंट एब्सेंट और होलीडेज को फार्मूला आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको इक्वल्स टू टाइप करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, फार्मूला है इक्वल्स टू और CONT काउंट, और उसके बाद आपको सिंपली काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों वन तक, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर आपको एम्प्लॉय नेम का है उसी से आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ से आपको 1 से 31 तक आपको इस तरीके से 30 तक आपको सेलेक्ट करना है। 30 तक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, कॉमा बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमा, और उसके बाद आपको जो आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि मैं प्रेजेंट बनाना चाहूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर पी फिल करूँगा, पी टाइप करूँगा, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हुए पी टाइप करूँगा। ध्यान से देखिए दोस्तों फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए काउंट इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन E8 इज टू ए एसेट और कॉमा एपोस्ट्रॉफिक्स डबल एपोस्ट्रॉफिक्स और आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आपको पी और फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर से ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पर जीरो आ चुका है, और फिर से आपको एब्सेंट को भी इसी तरीके से मैनेज करना है, फार्मूला यूज करना है CONT काउंट इक्वल्स टू काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन और फिर से आपको 1 से 30 तक सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। 30 तक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको कॉमा और आपको इन्वर्टेड कॉमा
और आपको ए एब्सेंट का ए और फिर से इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज इंटर करना है और फिर से आपको होलीडेज को भी इसी तरीके से क्रिएट करना है। इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है 30 तक इस तरीके से और फिर से कॉमा और होलीडेज का एच यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हुए होलीडेज का एच और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 00 आ चुका है। ये कैसा काम करता है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर पी टाइप किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है यानी कि जहाँ जहाँ पर आपको पी टाइप हुआ है उसको आपको यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काउंट करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने फिर से पी टाइप किया तो यहाँ पर देखिए इंटर बटन प्रेस करने के बाद तुरंत यहाँ पर काउंट किया है। अब आपको फिल करना है जहाँ जहाँ पर जो जो एम्प्लॉय एबसेंट है जो जो प्रेजेंट है इस तरीके से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर ये संडे हॉलीडेज है इसलिए मैं यहाँ पर एच टाइप कर लेता हूँ यानी कि मैं कैप्स लॉक ऑन करते हुए एच टाइप कर लेता हूँ और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एच ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर हॉलीडेज है यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है 1 और उसके बाद आपको इसको भी इस तरीके से प्लस का आइकन से आपको इस तरीके से ड्रैग करना है, इसको भी आपको ड्रैग करना है और इसको भी आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पर देखिए हॉलीडेज आ चुका है और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एच टाइप करना है, फिर से यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। हॉलीडेज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से फिर से आपको एच ड्रैग टाइप करना है, ड्रैग करना है और फिर से एच ड्रैग, फिर से एच ड्रैग यानी कि आपको यहाँ पर डबल क्लिक करोगे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए होलीडेज कितना है 1 मंथ फॉर 5 होलीडेज है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया है। आपको जो भी आपको यहाँ से संडे मंडे या फिर आपको मंडे से स्टार्ट होता है तो ट्यूसडे से स्टार्ट होता है तो आप टाइप कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ से डेज संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 5 डेज होलीडेज हुआ यानी कि आपको अदरवाइज आपको यहाँ पर 4 डेज ही होलीडेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से फिर से यहाँ पर पी टाइप करूँगा और यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली पी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं फिर से पी टाइप करूँगा, इस तरीके से ड्रैग करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा पी, यहाँ पर मैं फिर से पी टाइप करूँगा। आप अपने हिसाब से टाइप कर लीजिए दोस्तों, जो जो एब्सेंट है वही आप इस तरीके से टाइप कर लीजिए। मैं फिलहाल के लिए प्रेजेंट प्रेजेंट बना रहा हूँ, मैं बाद में ये सभी को यहाँ पर मैं एब्सेंट भी बनाऊँगा प्रेजेंट भी बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं पी टाइप किया है तो ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से और डबल क्लिक, फिर से यहाँ पर पी तो डबल क्लिक। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट 25 डेज प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एब्सेंट बनाना चाहूँगा वहाँ पर ए टाइप करूँगा, यहाँ पर इस तरीके से ए टाइप करूँगा, ए टाइप करूँगा, ए टाइप करूँगा, ए टाइप करूँगा, इस तरीके से जहाँ जहाँ पर एब्सेंट बनाना चाहूँगा इस तरीके से मैं टाइप करूँगा। ये मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ दोस्तों, आप मैन्युअली हिसाब से कर लीजिए, आपको जो एम्प्लॉयज़ एब्सेंट है वही हिसाब से आप टाइप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर भी टाइप कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने टाइप किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं एब्सेंट बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से एब्सेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए सभी एब्सेंट और प्रेजेंट होलीडेज सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है दोस्तों। जहाँ जहाँ पर आप टाइप करोगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होलीडेज एब्सेंट सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको आसानी से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर कंपनी अटेंडेंस सीट क्रिएट कर सकते हो। तो इसको आप कॉलर वगैरह कर लीजिए, इस तरीके से आपको जो कॉलर पसंद है आप फिल कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। मैं इस तरीके से वाइट कलर फिल करूँगा और इसके ऊपर ये वाइट, तो इसको थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा, इस तरीके से आप कर लीजिए। इसको भी मैं यहाँ पर कॉलर दे दूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको ब्लू कलर दे दूँगा। आप चाहे तो जो कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आपको जो कलर पसंद है इस तरीके से मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पर भी इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और इसको भी यहाँ पर कलर दे दूँगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटेंडेंस सीट तैयार किया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर। आप भी इसी तरीके से बड़ी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर कंपनी अटेंडेंस सीट तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।